गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। प्रो कबड्डी सीजन 10 के पहले मैच की बारी यहां पर आ चुकी है। एक तरफ तेलुगु टाइटंस होने वाली है तो दूसरी तरफ आपको गुजरात जायंट्स देखने को मिलेगी। तेलुगु टाइटंस में जहां पर इस सीजन आपको पवन कुमार सहरावत नए कलर में देखने को मिलने वाले हैं, तो दूसरी तरफ भी आपको गुजरात जायंट्स की तरफ से फजल अत्राचली एक बार वापस से देखने को मिलने वाले हैं। पहले ही मैच में घमासान युद्ध होने वाला है, सुल्तान फजल अत्राचली वर्सेस हाई फ्लायर पवन कुमार सहरावत। कौन जीतेगा पहला मैच, काफी कुछ कंपैरिजन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, प्रेडिक्शन भी करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना। अगर आप भी मेरी तरह प्रो कबड्डी सीजन 10 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो लाइक करके जाना बिल्कुल वीडियो को, और कमेंट अभी कर दो आप हाई फ्लायर पवन कुमार सहरावत की गैंग में हो या फिर फजल अत्राचली सुल्तान की गैंग में हो, नीचे कमेंट बिल्कुल से कर देना। तो चलो शुरुआत करते हैं। 2 दिसंबर 2023 को आपको पहला मैच देखने को मिलने वाला है गुजरात जायंट्स और तेलुगु टाइटंस के बीच में, जो शाम के 8 बजे चालू होने वाला है। 8 PM को जो पहला मैच है वो देखने को मिलने वाला है, और अहमदाबाद में ये मैच होने वाला है। जो पहला लेग है, पहला हफ्ता है प्रो कबड्डी सीजन 10 का, वो अहमदाबाद में चालू होने वाला है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले मैं आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बताता हूँ दोनों ही टीमों के। तो काफी इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है यहाँ पर, अगर आप देखते हो तो दोनों ही टीमों ने टोटल 8 मैचेस खेले हैं। 7 जीते हैं गुजरात जायंट्स की टीम ने और 1 जीता है तेलुगु टाइटंस की टीम ने। मात्र 1 मैच यहाँ पर तेलुगु टाइटंस जीती है। बट बात वही है, तेलुगु में इस सीजन पवन कुमार सहरावत आए हैं और ओवर द ईयर्स दोनों टीमों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड से उतना आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते जितना आप क्रिकेट में लगा सकते हो। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 बताता हूं। तो उधर गुजरात जायंट्स की तरफ से आपको जहां पर 3 मेन रीडर्स के रूप में राकेश प्रतीक दहिया और रोहित गुलिया के रूप में कोई एक सेकेंड रीडर देखने को आपको मिलेगा, और इसके बाद मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श है। कवर्स पे आपको राइट कवर पे सौरभ गुलिया या रवि कुमार देखने को मिल जाएंगे, और लेफ्ट कवर पे आपको अक्रम शेख देखने को मिल जाएंगे, और कॉर्नर्स पे आपको फजल और सोमवीर की जोड़ी देखने को मिल जाएगी जो पिछले सीजन पुनेरी पलटन में थे, जिनको फाइनल तक भी पहुंचाया था इन जोड़ी ने। तो मतलब देखो गुजरात जायंट्स की टीम यही है। अब यहाँ पर आप बोलोगे मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श को आप कवर्स पे भी खिला सकते हो, तो हाँ बिल्कुल जी, आप मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श को कवर्स पे भी खिला सकते हो। प्रतीक दहिया और रोहित गुलिया आपको दोनों रीडर्स अगर खिलाने तो वो भी आप खिला सकते हो, बट आई एम थिंकिंग कि अक्रम शेख एक फिर भी बेटर ऑप्शन होने वाला है लेफ्ट कवर पे। मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श आपको थोड़ी बहुत डिफेंस में मदद करके दे देंगे, बट ऐसी कुछ प्ले 11 मेरे को लग रहा है गुजरात की होने वाली है। आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट करके बताना जरूर। इसके बाद तेलुगु टाइटंस की बात करें तो तेलुगु की तरफ से 3 मेन रीडर्स होने वाले हैं वहां पर, पवन कुमार सहरावत जो इनके कैप्टन है, इसके अलावा विनय है और रजनीश है जो दोनों रिटेन हुए थे। और कवर्स की बात करें तो राइट कवर पर आपको परवेश भेंजीवाल, राइट कवर पर नितिन सॉरी, और लेफ्ट कवर पर आपको परवेश भेंजीवाल देखने को मिलेंगे, और कॉर्नर्स की बात करें तो लेफ्ट कॉर्नर पर आपको अंकित और राइट कॉर्नर पर आपको शंकर गदाई देखने को मिलेंगे। अब देखो यहां पर मैं दोनों टीम्स की बात करूँ ना, तो मेरे को लग रहा है कि गुजरात जायंट्स का पल्ला थोड़ा सा भारी रहने वाला है, क्योंकि मैं शुरुआत में भी जो मेरी इनिशियल एनालिसिस वाली वीडियो थी या सभी टीमों की स्टार्टिंग 7 वाली वीडियो थी, वहां पर भी मैंने बोल दिया था कि तेलुगु टाइटंस की टीम ना काफी ज्यादा पवन कुमार सहरावत के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाली है। पवन कुमार सहरावत के अलावा कोई भी ऐसा बहुत अच्छा नाम नहीं है। परवेश भेंसीवाल वहां पर है, परवेश भेंसीवाल और पवन कुमार सहरावत ये 2 ही मेन प्लेयर्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। इनके अलावा इनको सपोर्ट के लिए चाहिए तो ऐसा कोई बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है। अब देखो तेलुगु टाइटंस के पास रीडिंग डिपार्टमेंट में रजनीश है, रजनीश भी ठीक है, इनएक्सपीरियंस है, आपको यंग प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। एक्सटेंसी वाली बात वहां पर मेरे को नहीं लगता कि आने वाली है पवन कुमार सहरावत को, मतलब वही है कि पवन कुमार सहरावत को उतना जल्दी रिवाइवल मिलना चाहिए, उतनी जल्दी रिवाइवल मिलना चाहिए। और उधर बात करते हैं एक बार डिफेंस की, तो डिफेंस में आपको एक शंकर गदाई जो राइट कॉर्नर पर वो देखने को मिल जाएंगे। शंकर गदाई का जो एंकल होल्ड वगैरह है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट फिर से बात वही हो जाती है कि एक्सपीरियंस नहीं है और क्या उतना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पाएंगे वो वाली। और ऑन द अदर एंड गुजरात जायंट्स की बात कर रहे हैं तो गुजरात के पास रीडिंग डिपार्टमेंट में एचएस राकेश हैं, प्रतीक दहिया है, रोहित गुलिया है, मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श है, और चारों ही अच्छे प्लेयर हैं। एचएस राकेश पिछला सीजन भी बहुत अच्छा खेले थे, इसके साथ प्रतीक दहिया पिछले सीजन गुजरात जायंट्स में थे ही, रोहित गुलिया को एक अच्छी रकम में खरीदा गया है। कवर्स पे आपको सौरभ गुलिया देखने को मिल जाएंगे, अक्रम शेख भी वापस से यहां पर गुजरात जायंट्स की टीम में आ चुके हैं, और कॉर्नर्स तो मैंने बताया बहुत ही अच्छे हैं, फजल और सोमवीर की जोड़ी है। तो इसीलिए गुजरात जायंट्स की टीम मेरे को काफी ज्यादा अच्छी दिख रही है तेलुगु टाइटंस से, क्योंकि गुजरात का डिफेंस ज्यादा अच्छा है। अब पवन कुमार सहरावत अगर आउट हो जाते हैं मैच में तो दिक्कत वहां पर आ जाएगी कि कौन वो ऐसा प्लेयर होगा, कौन सेकंड या थर्ड रीडर होगा जो पवन कुमार सहरावत को अर्ली रिवाइवल दिला पाए। अब वही बात है कि अगर पवन कुमार सहरावत पूरे 40 मिनट के मैच में 20 मिनट हो गया, 16 मिनट हो गया, 17 मिनट हो गया बेंच पे ही बैठे हैं, उनको रिवाइवल ही नहीं मिल पा रहा है तो दिक्कत आएगी, और वही मेरे को लग रहा है होने वाला है। गुजरात जायंट्स इज द फेवरेबल टीम टू विन दिस मैच। आपके प्रेडिक्शंस ऑब्वियसली हो सकता है अलग हो, आप हो सकता है हाई फ्लायर के साथ हो, ठीक है हाई फ्लायर पवन कुमार
कुमार सहरावत मेरे भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मेरे को भी अच्छे लगते हैं, बट ये मैच आई थिंक गुजरात जायंट्स जीतने वाली है। मेरी प्रेडिक्शन गुजरात जायंट्स के साथ जा रही है, आपकी जो भी प्रेडिक्शन है नीचे कमेंट करके बता देना। मेरी तरफ से अच्छी ये वीडियो थी, अच्छे लगे तो लाइक को शेयर कर देना। आप और ऐसे टीम कंपैरिजन चाहते हो कि नहीं मेरे को नीचे कमेंट करके बता देना। ये पहला मैच था प्रो कबड्डी सीजन 10 का, 2nd December 2023। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द, बाय बाय, टेक केयर।